हेलो। हाँ सर, नमस्कार, बोलिए। हाँ हाँ सर, मेरा एक सवाल है जी। ये अपने जैसे 300 यूरो का पैक बाय कर लिया हमने, तो उसमें क्या बेनिफिट मिलेगा सर? स्पॉन्सरशिप बाई स्पॉन्सरशिप करना है पैक। कि। हाँ जी, अच्छा, स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सरशिप एडवर्टाइजमेंट पैक। हाँ, उसमें उसमें क्या है कि आपको 60 बंदे जो है आपके आपको मिलते हैं बिना नाम के। ऑल ओवर वर्ल्ड से ऐसे लोग आएंगे हाँ सर, जो टेली कॉलर के वो पता माध्यम है से मुझे जाके मुझे ये होंगे। हाँ, देखना है कि डेढ़ जो डेढ़ गुना मिलेगा मुझे, एक साल का उसमें वो लिखा हुआ है कि किसका मिलेगा मुझे डेढ़ गुना सर? जो लोग एड व्यू करेंगे ना, उनका डेढ़ डेढ़ गुना नहीं सर, मिलेगा। मेरी बात आप एक एक जैसे मैंने डायरेक्ट में लगा रखे हैं 20 बंदे, उनका मिलेगा या जो 60 बंदे मुझे मिले उनका भी डेढ़ गुना मिलेगा? आप स्पॉन्सरशिप पैकेज बाय किए हैं ना सर, तो स्पॉन्सरशिप हाँ जी, हाँ पैकेज जी, में, साठ बंद हाँ, जितने 60 बंदे ऐड होंगे है ना, उनका डेढ़ गुना मिलेगा। उसी तरह सेम है स्पॉन्सर। कंडीशन है आपका आपका पर्सनल वेरिफिकेशन में। पर्सनल वेरिफिकेशन में जितने आपके डायरेक्ट में लोग हैं है ना, उन सभी से जो है आपका डेढ़ गुना मिलेगा, मतलब 7 की जगह में 10 हजार का मिलेगा। सर मैं यही कह रहा हूँ, मेरे डायरेक्ट में 20 है जी, और 60 का पैकेज मैंने ले लिया, 300 यूरो का मैंने बहुत पहले ले रखा है, तो मुझे 80 बंदों का डेढ़ गुना मिलेगा है ना? यही मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, बहुत टाइम से मन में डाउट चल रहा है जी। अच्छा, तो मेरे मेरे को जैसा जानकारी है, स्पॉन्सरशिप में सिर्फ स्पॉन्सरशिप वाला का मिलेगा, और पर्सनल वेरिफिकेशन का 300 वाउचर आप लीजिएगा तो वो उसमें जो है आपको आपके डायरेक्ट वाले भी काउंट हो जाएंगे। कई तो पता है क्या सर, अलग अलग जगह पे अलग अलग ही बताते हैं, कई तो ये कहते हैं कि आपके डायरेक्ट में जितने भी बंदे हैं ना उनका डेढ़ गुना मिलेगा ओनली। तो वो पर्सनल वेरिफिकेशन का वाउचर बाय करेंगे तब अच्छा, अब मैंने तो पर्सनल जो स्पॉन्सरशिप पैक लिया, जैसे 300 यूरो का 60 बंदे मुझे मिल गए। हाँ, तो 60 बंदे, वही लोग 60 बंदे का जो एड व्यू होगा ना, उन लोग से आपको अच्छा, मिलेगा उसका उनका डेढ़ गुना हाँ मिलेगा। उसका, हाँ, 1 साल के लिए। ठीक ओके ओके, ठीक। सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे अब ये कंपनी ने स्कीम चलाई है कि एक वेरिफिकेशन के साथ एक 3 फ्री दे रही है पीवी, तो अगर जैसे पीवी अब मान लो मिल गया एक बंदे को, 3 बंदे मिल गए, तो कल को वो टीम बना लेता है, तो उसका कैसे रहेगा फिर? मान लो टीम बनाएगा तो कंपनी फिर कंपनी से 3 बंदे भी वो लेगा, टीम का भी बेनिफिट लेगा, ऐसा हो सकता है? वैसे ही तो बात हो रहा है सर कि जो बंदा मान लीजिए अभी नहीं कर पा रहा है, और उसको मान लीजिए प्रोत्साहन मिल गया, तो अगर वो अपने आप को जो है मतलब एक्टिव कर लिया, तो वो फिर अपना टीम सिलेक्ट करके टीम से भी करेगा और वहां से भी मिल जाएगा। ओके ओके, तो सर ये कंपनी का क्या सिस्टम चल रहा है सर? तो है कुछ, कब तक चलेगी ये यही तो बताना मुश्किल है सर, ये? क्योंकि नेगेटिव जहाँ हो रहे हैं सब पे सर, आप बैठे, नहीं, हमें जहाँ आठ पे आप महीने हो बैठे गए, 9 महीने। होंगे हाँ वो तो पता है सर, मुझे भी पता है, पर क्या करें जी, अब मार्केट में जवाब देना भी वो हो गया जी। और कहाँ से सर आप? तो मैंने चैट बॉक्स में सर डेट डाल दिया है ना, टेलीग्राम का 8 बजे का लिंक है ना, तो इसमें भी आप लोग 8 बजे ज्वाइन होने का चेष्टा करें है ना, क्योंकि ये सर, नेशनल सारे लेवल पे मैं तो सभी ज्वाइन लोग होता हूँ सब सब मीटिंगों में सर, मैं तो सारी मीटिंगों में ज्वाइन होता हूँ, दिनेश सर की मीटिंग तो तो छोड़ता ही नहीं सुबह वाली। ओके, तो वो उसके लिए भी बहुत लंबा लाइन लगाना पड़ता है, हाँ 15 मिनट पहले आप लगाओगे वो तभी सर लगा। लगता ही नहीं, कहीं पहले तो डेली लग जाता था मेरा, डेली, अब तो पांच हाँ, तो सात दिन मैंने से लगने मैं का, सेकंड सेशन में लग जाता कई बार। हाँ 2-3 दिन एक पहले बार तो मैंने आपने तो होस्टिंग हाँ की थी। हाँ मैंने हाँ वही तो कह होस्टिंग रहा हूँ, की आपने होस्टिंग की थी, तो मैं क्यों। था उसमें, मैं था आप वाली में जब आपने होस्ट किया था। बहुत अच्छा करते हो सर आप भी। कहाँ से हो सर आप? अरे भाई, काम से रखो भाई, नंबर दी हुई है, आपको सर कोई फिर प्रॉब्लम हो नंबर ना चाहिए सर व्हाट्सएप मुझे, वैसे पूछने में क्या देगी, मैं हरियाणा से हूँ देखिए। जैसे आप। ओके, ओके मैं झारखंड से हूँ है ना, ओके सर। तो
बहुत मेन अच्छा बात है लगा क्योंकि सर आपसे बात करके। नहीं आप देखिए मेरा यहाँ पे मैं कभी किसी को नहीं पूछता कि आप कौन सी टीम से हो, कहाँ से हो, समझ ना, गए ठीक ना। बात है, अगर ठीक आपको आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, आप स्क्रीनशॉट करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कीजिए, हम उसका रिप्लाई सर। करके प्रॉब्लम उसका मुझे कुछ आंसर। नहीं है, मैं तो सारी 1 to Z सीख चुका हूँ सारा, मैं हाँ नवंबर का लगा हूँ सर। मैं तो बस ओके, मीटिंग अटेंड करता हूँ, सीखता रहता हूँ कभी किसी कभी कुछ। आपकी मीटिंग बहुत अटेंड करता हूँ मैं शाम को। देखिए जब तक अभी बिल्कुल आदमी फ्री है तब तक आदमी सिखा रहा है ना। जिस दिन सही आदमी बात, ठीक बिजी बात हो है जी। जाएगा तो आप बिजी फिर हो टाइम जाएगा, पाएंगे या किसी के पास। हाँ जब बिजी हो जाएगा तो आप अपने अपने घर को देखेगा कि बाहर वाले को हम अपनी देखेगा। टीम को देखेंगे, सही बात है, औरों को थोड़ी दिखाएंगे ना सिखाएंगे, कुछ कहाँ टाइम होगा वही बात है। तो इसीलिए सर। ठीक, हाँ हाँ बिल्कुल, जब तक मौका मिल रहा है तब तक सीख ले मौका सर। है, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। थैंक यू, बहुत कुछ अच्छा लगा आपसे बात करके और सीख के, यही क्वेश्चन ओके था सर सर, मेरा। थैंक यू। वीरेंद्र सिंह सर अपना सवाल रखे सर। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग सर, आवाज आ रही मेरी सर? सर जी जी सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो प्रॉब्लम अभी आ रही है, यहाँ में जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, खासतौर से जब पीवी वालों वेरीफाइड मेंबर को जब उसमें रजिस्ट्रेशन ले जाते हैं, ये प्रॉब्लम पहले भी 4-5 दिन पहले, 6-7 दिन पहले आ रही थी कि उसमें वेरिफिकेशन मांगने लगता है वो, €10 वाला, या उसको स्किप करना मांगता है, जो कि हमें हाँ नहीं करना। हम स्किप करते हैं तो वो मेंबर हमारे एज ए फ्री मेंशन हो जाते हैं। तो देखिए ये वहां दो पे क्या तीन करना इंच है, हो रही ऊपर ऊपर में 3 डॉट है या एरो का चिन्ह है, वहां है। लगा जी जी करके आप आगे फॉरवर्ड हो जाना है और आपका जो है डैशबोर्ड खुलेगा, वहां पे आपको मेल फीमेल डाल करके या फिर कंट्री जो है अपना इंडिया डाल करके, है ना, ओके करके जी एडिट इंटरेस्ट करके वो करना जी है। उसमें जो है वो आपको पेमेंट में क्लिक ना करना है, ना फिर जीरो में क्लिक जी करना है ना। मैंने तो वहां से गया हूँ वो, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट वो वहां से हो नहीं रहा, क्योंकि जब अगली हमने क्या हुआ सर, जब मेरा मेरा रजिस्ट्रेशन है, मैं भी पेमेंट से हूँ, पहले से हूँ। अब जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ अपने ऐड ऐड देखने के लिए, जब मैं लॉगिन करता हूँ तो मेरा तो वो नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैं नया मेंबर का आज मैंने वैसे ही किया, जहां से 3 डॉट है वहां से करके उसका इंटरेस्ट मैंने सारे कर दिया, सबमिट भी कर दिया, और गो टू डैशबोर्ड में जाके उसका सैंपल के लिए मैंने 1-2 ऐड देख लिया सही। उसके बाद मैं जब वापस लॉग आउट करके मैंने दोबारा से लॉग इन किया है, तो वो सिंपली उसको ऐड सेक्शन में जाना चाहिए, ऐड दिखाना चाहिए, तो वहां पे जैसे ही हम 2 बार ID पासवर्ड डाल के जा रहे हैं, फिर वो वही मांग रहा है सर हर बार। तो नए लोगों के लिए प्रॉब्लम हो रही बहुत, कि वो वहां से अगर कर दिया गड़बड़ से तो उनका तो 6 महीना चला गया, और वो भी नहीं मिलेगा उनको जो इस समय सर कंपनी ऑफर दे रही है, क्योंकि हमारे ऐसे भी 4-5 बंदे इधर ही के सब वो KYC कराए हैं इसी चक्कर में, तो वो एक प्रॉब्लम सर बड़ी हो रही है। तो इसका मैं वेट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं किसी को भी कर नहीं पा रहा हूँ। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या चल रहा है कंपनी में कुछ, उसका क्या उसको सही करने का? देखिए सर, अब ये भूल भुलैया में ना रहे कि जा लाइफस्टाइल जी अलग है यहाँ अलग है, अब दोनों एक ही जी हो गए, मतलब जा लाइफस्टाइल ही समझ लीजिए यहाँ है ना। हाँ हाँ तो आपका किसी तरह से कोई प्रॉब्लम होने नहीं जा रहा है। पहले जी आदमी सोच रहा था कि यह एक अलग प्लेटफॉर्म है और वो एक दूसरा है, पर कंपनी ने अक्टूबर तक का जो टारगेट था उसको पूरा नहीं किया, जिसके वजह से जो जिसके साथ बात हुई थी तो वो नहीं हो करके यह का प्लेटफॉर्म इसने अपना ही डेवलप कर लिया है, ठीक ना। जी तो यहाँ पे जो जो जा लाइफस्टाइल में आ गए हैं उसको जो है यहाँ का में कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है, क्योंकि अभी आप जो डायरेक्ट यहाँ में भी इन होंगे ना, है ना, जी तो आगे चल करके उसको जो है जा लाइफ में रेफर होना ही पड़ेगा, अपना KYC करेगा तभी जा करके वो जो है पेमेंट का हकदार बनेगा। बिना KYC किए कोई भी बंदा पेमेंट नहीं ले पाएगा, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट कैसे देगी कंपनी जब तक उसका जो है कुछ आधार कुछ डॉक्यूमेंट्स ना रहे। तो अभी कैसे जाएं हम सर, उसको क्या करें अभी? फिर जो अभी KYC पर है उनको हम कैसे अभी, मतलब उसमें ऐड सेक्शन में ऐड वाले में कैसे ले जाएं? वही करके जाएं, वो 3 डॉट से जाएंगे, वो बार बार वही मांग रहा है, बार बार वहीं से जाएं हम? चैट बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, एक बार स्क्रीनशॉट करके मेरे पास भेजिएगा, हम उसका आपको सॉल्यूशन करके भेज देंगे।
ठीक है सर, ठीक है, मैं यही करूंगा फिर आपसे पर्सनली थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लूंगा, अभी टाइमिंग सबकी जा रही होगी। ठीक है सर, समझ रहा हूँ। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रिया जी अपना सवाल रखें। हेलो, हाँ सर, नमस्कार। हेलो, हाँ सर, गुड इवनिंग सर। सर ये जो 25 यूरो वाला इसकी स्पॉन्सरशिप है सर। हेलो, हाँ हाँ बोलिए ना। जो जो 25 यूरो वाला स्पॉन्सरशिप है सर, अगर हम उसको परचेज करते हैं अपना मास्टर कार्ड से, तो 25 यूरो में हमें कितने, मतलब 5 पेड वाले मिलेंगे कि फ्री वाले? 5 पेड वाले मिलेंगे। पेड वाले मिलेंगे, मतलब वहां पे जो है स्पॉन्सरशिप में आधा पैसा आपका लगता है, आधा पैसा एड एजेंसी देती है, तो वो जो है पैसा उन लोगों को लगता है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में अपना जो है 10 यूरो नहीं कराने में सक्षम नहीं है, तो वैसे बंदों लोगों का लगता है, ताकि वो लोग एड व्यू करेंगे, अपना जॉब वर्क करेंगे और उसका जो है इनकम का जनरेट जो भी होगा उसका 100% आपको इनकम आएगा। यानी पांचों में से मिलेगा सर कि एक सिर्फ एक सर नहीं, एक बंदे सर? पांचों से मिलेगा, पांचों से मिलेगा, पर यही है कि वो लोग एड व्यू करना चाहिए, है ना? ठीक है, क्योंकि वहां पे आप देख नहीं पाएंगे कि अगला देख रहा है कि नहीं देख रहा है, ये आप पे डिपेंड, मतलब ये कंपनी गाइड करती है कि उसको टेलीकॉलर से फोन करेगी कि भाई आप अपना एड व्यू देखें, अब वो अगला देख रहा है कि नहीं देख रहा है ये आपको जानकारी नहीं होगी, है ना? तो हाँ, ये चीज जो है अपना उस, अगर वो स्पॉन्सरशिप पैकेज नहीं लेना चाहते हैं तो आप पर्सनल वेरिफिकेशन का ले लीजिए, उसमें जो भी आप लगाएंगे तो उसका नाम, यूजर आईडी, उसका मोबाइल नंबर सब रहेगा, तो उसमें आप कॉल करके बोल भी सकते हैं कि मैंने अपना एड व्यू देख लिया, आप भी अपना देख लो, वहां पे आप किसी को बोल नहीं पाओगे, आएगा हाँ, तो भी ठीक, नहीं आएगा तो भी ठीक। हाँ, पर्सनल का भी है सर एक, है एक्टिवेशन। हाँ, तो वो पर्सनल अगर हम अपने, मतलब उसका आईडी अपने आईडी पर एक्टिव करवा देंगे सर, इस टाइप का? नहीं, वो पर्सनल जो है वो 30 यूरो सा है, वो जब आपका एड व्यू इनकम चालू होगी तो उस समय 30 यूरो आपका हर एक बंदे का डिडक्ट होगा, और 8 यूरो जो कंपनी फाइनेंस की है, मतलब 38 यूरो का डिडक्शन होगा। ठीक है, मतलब 38 यूरो का डिडक्शन वो मुझे मिलेगा कि हमको, यानी पे करना पड़ेगा सर? आपका कटेगा इनकम से, मेरा इनकम से कटेगा। तो सर हम मास्टर कार्ड यूज करते हैं अगर, तो उससे पे हो जाएगा कि या प्रॉब्लम आएगा सर? आप कार्ड में जो है ना टूल फ्री नंबर रहता है, वो टूल फ्री नंबर में बात कर लीजिए कि मेरा ये कार्ड है, इससे हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर पाएंगे कि नहीं है, तो वो फोन करने से बता देगा कि मेरा होगा या नहीं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमको, मेरा चैट बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, वहाँ नंबर ले लीजिएगा, हमको फोटो खींच के भेज दीजिएगा, हम बता देंगे, है ना, कि आपका काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक, ओके सर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड्स। अलेक्स, अलेक्स सर अपना सवाल रखें। सर आपको पता होगा कल एक पेमेंट मिला था ओडिशा से, एक आदमी का पेमेंट आया था, बेणुधर महंत, उनका सारे पेमेंट डिटेल्स चेक किए सर? SBI का जो पेमेंट आया था देखे ना सर स्क्रीन? हाँ देखे, वो तो मुझे थोड़ा बताइए। हाँ, उनको 500 यूरो मिला था और फाइनली जब सेटलमेंट वो 48 यूरो कट कर लिए, क्यों कट हुआ 48 यूरो सर? देखिए वो शायद गिफ्ट का था और उसका क्या ट्रांजेक्शन कटा वो तो वही क्लियर बताएगा, तो मैं भी तो जो है वो स्क्रीनशॉट ही देखा, है ना, जो वीडियो या फिर जो व्हाट्सएप में फाइनली सेटलमेंट हुआ उन्हें बता रहे थे, मैं उनसे बात किया,
पर्सनली बात किया, वो बता रहे थे मेरा 500 यूनिट पॉइंट्स मिला था, 500 यूरो गिफ्ट इनकेस किया था, वहां से कट गया 48 यूरो कट हो गया, 452 यूरो मिला। और उन्हें बोल रहे मेरा डिडक्ट हुआ लाइफस्टाइल पैकेज एक्टिवेट हुआ, तो लाइफस्टाइल पैकेज अगर एक्टिवेट हुआ वो तो 30 यूरो, बाकी 18 यूरो क्या है? और आपने तो 10 यूरो या फिर 15 यूरो देके तो केवाईसी किया होगा पहले, तो 48 यूरो क्या है? और 38 डिडक्ट होना चाहिए था, 10 यूरो समझ में नहीं आया कि किस बात का डिडक्शन हुआ। अगर वो 10 यूरो मंथली लाइफस्टाइल बोनस का भी काटा है क्या 48 यूरो? ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है बात को, है ना सर? टाइम भी हो रहा है सर, आप लोग का आवाज आ रहा है सर? जयेश मेहता सर अपना सवाल रखें, टाइम भी हो रहा है तो आप लोग बोलेंगे तब सेकंड सेशन चलेंगे, नहीं तो सेकंड सेशन नहीं भी चलाएंगे। जयेश मेहता सर जल्दी सवाल रखें अपना। सर न्यूज़लेटर कब तक आएगा सर? अपना अपना देखते रहें, है ना, कब आ जाएगा तो हम भी नहीं बता सकते हैं, है ना, जब आएगा सभी के आईडी में आएंगे, ठीक ना? सुन रहे कि 15 तारीख तक एक्टिव हो जाएगा सर।